आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर शुरू हो गया है। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि जो भी पार्टी जीतेगी सीधे उन्हीं की सरकार बनेगी। जो पार्टी जीतेगी तो उसके लिहाज से सिंधिया खेमा आवी हो चुका है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अभी तक वो पकड़ मजबूती के साथ नहीं बना पाए हैं जैसे वे कांग्रेस में बनाते थे। एक फोन से करीब 40 नेताओं को टिकट दे देते थे, एक फोन से 5 से 6 नेताओं को मंत्री बना देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। खुद को एडजस्ट कराने के लिए सिंधिया जद्दोजहद कर रहे हैं और बार बार उनके समर्थक नेता सिंधिया को मंत्री बनाने की पेशकश भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के सामने रख रहे हैं, और जिसका सीधे तौर पर इफेक्ट जो है मध्य प्रदेश के चुनाव पर पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में सिंधिया की अग्नि परीक्षा होगी। सिंधिया अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें जिलाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो सीधे तौर पर सिंधिया को बड़ा झटका लगेगा और भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को कभी भी उतना बड़ा चेहरा नहीं बना पाएगी जितना कांग्रेस उन्हें बनाती थी। और आने वाले समय में 19 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है और राज्यसभा का चुनाव के लिए यहां पर अभी से ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है, क्योंकि कुछ नेता कुछ विधायक जो है हो सकता है कि सिंधिया के विरुद्ध में क्रॉस वोटिंग कर दे। अगर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो सिंधिया राज्यसभा सीट से हार भी सकते हैं, वही कांग्रेस पार्टी को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में जाने से भाजपा का एक खेमा नाराज है और कुछ ऐसे नेता हैं जो सिंधिया के जाने से अपना राजनीतिक भविष्य संकट में जो है मान रहे हैं और अपनी सिचुएशन डल भाजपा में मान रहे हैं, जिसके लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने उन नेताओं से एक एक करके जो है संपर्क भी साध लिया है। मेरी जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री कन्हैया लाल जय भान सिंह और बसपा से सत्यप्रकाश सिसोदिया, रुस्तम सिंह, दीपक जोशी, सेजवार, रामलाल रुतिल्ला, राकेश सिंह, भाई साहब यादव आदि इसे कांग्रेस पार्टी में संपर्क साध लिया है। जैसे ही उपचुनाव का ऐलान होगा उसके तुरंत बाद इनमें से भाजपा के नेता कांग्रेस पार्टी में पलटवारी कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी इन्हें अपना प्रत्याशी भी कभी भी घोषित कर सकती है जब चुनाव का ऐलान होगा। तो आपको हम डिटेल से जानकारी देते रहेंगे। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो